Assalamualaikum सुरे मैं मोहसिन के लिए तो आज आप हमने स्टडी करना है इन्वेस्टर एजुकेशनल सिस्टम के यूट्यूब चैनल पर इसका चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपने स्टडी करना है, डायरेक्शन का, उसके डायरेक्शन फ्लो किस तरह करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद आप कुछ सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट डेली लाइफ में आप यूज करते हैं वर्ड करंट। तो करंट की डेफिनेशन बेसिकली आ जाती है फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो चार्ज आपके पास क्यों मूव कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो डेफिनेशन आपके पास आ गई कि किसी एरिया से, किसी वायर से या किसी मटेरियल से जो करंट पास हो रहा है एट ए टाइम टी, यानी डेल टी आपके पास करंट पास हो रहा है इस टाइम से किसी भी वायर के थ्रू, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है। तो डेफिनेशन आपने पढ़ ली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद द पैसेज ऑफ टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो आपने स्टडी कर दिया, आप इसको स्कीमेटिक डायग्राम हम बनाएंगे इसके सर्किट की। उससे पहले हम फार्मूला स्टडी कर देते हैं। फार्मूला आपके पास आ गया चार्ज टाइम। तो चार्ज आपके पास क्या हुआ आ गया और टाइम आपके पास टी आ गया। तो यूनिट बेसिकली आपको बताया था किसी भी चीज के अगर आपने यूनिट फाइंड करनी है तो सबसे पहले उसके कंपोनेंट्स की, उसका फार्मूला लें, उसकी यूनिट आप फाइंड, उसकी यूनिट देखें कि चार्ज की यूनिट क्या है, टाइम की यूनिट क्या है। तो इस तरह आप इजीली यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो करंट को हम आई से भी नोट करते हैं, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा टी। तो क्या वो आपके पास चार्ज है, चार्ज की यूनिट आपके पास आ जाती है कूलम, तो कूलम आपने लिख लेना। टाइम की यूनिट आपको पता है सेकंड है, तो टाइम सेकंड इसको आप लिख सकते हैं कूलम पर सेकंड, या फिर कूलम पर सेकंड किसके लिए होता है 1 एम्पीयर भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की कूलम पर सेकंड विच इज इक्वल टू एम्पीयर 1 एम्पीयर। तो नेक्स्ट हमने स्टडी करना है करंट किस तरह फ्लो करे। अब आपने बैटरी कनेक्ट की है किसी सर्किट के साथ, तो ये आपके पास वायर होगी कॉपर वायर फॉर एग्जाम्पल आप ले लें, कॉपर वायर आपने ले ली। अब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, आपको यह पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल एट हायर पोटेंशियल होता है, इसको हम इसलिए ऐसे लिखते हैं। नेगेटिव टर्मिनल इज एट लोअर पोटेंशियल, तो इसको हम स्मॉल लिखते हैं। तो इस तरह हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है। तो चार्ज हमारे पास करंट मूव कर रहा है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो ये था फ्लो ऑफ चार्ज, आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी कर लिया। एग्जांपल आपने स्टडी कर लिया कि किसी भी वायर से करंट किस तरह पास होता है। तो बेसिकली फ्लो ऑफ करंट पढ़ने से पहले आप एक दो चीजें क्लियर कर लें। पहली बात ये है आपके पास कि करंट किसकी वजह से मूव करता है, रीजन क्या है, किस चीज की वजह से करंट मूव करता है वायर से। तो जब आप स्टडी कर रहे हैं मैटर को, बेसिकली आपने ये याद रखना है आपके पास जो करंट है वो चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है। चार्ज कैरियर, तो चार्ज कैरियर आपके पास आ जाते हैं अगर आपके पास कोई मैटर है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वायर होगी आपके पास, कॉपर की वायर होगी, सिल्वर की या आयरन की कोई भी चीज़ है, कंडक्टर है, तो मैटर आपके पास आ रहा है तो इसमें चार्ज कैरियर क्या चीज होगी। तो बात आपने याद रखनी है चार्ज कैरियर इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर वन, नंबर टू आपके पास आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोलाइट्स में आपने क्या चीज स्टडी करनी है, किसकी वजह से करंट मूव होगा, करंट पास होगा।
तो करंट पास होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो इसी तरह गैसिंग से भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो करता है, ये आपने पढ़ लिया। चार्ज कैरियर के बाद चार्ज कैरियर बेसिकली क्या चीज है, चार्ज मूव करता है। बिकॉज ऑफ चार्ज कैरियर या तो आपने कोई भी बैटरी कनेक्ट की या वायर से, तो चार्ज कैरियर की वजह से मेटल में इलेक्ट्रोलाइट में गैसिंग में या मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट पास हो। इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद पैसेज ऑफ टाइम। तो किसी भी एरिया से, फॉर एग्जाम्पल एरिया आपके पास ए है, 2 मीटर स्क्वायर एरिया आपके पास, इससे करंट, इससे चार्ज पास हो रहा है, कितने चार्ज, कितना चार्ज पास हो रहा है, 2 कूलम चार्ज पास हो रहा है। इन टाइम कितना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, वो लग रहा है 2 सेकंड्स। तो किसी भी एरिया से जो चार्ज मूव करना है इन्हें पार्टिकुलर टाइम, तो ये क्या चीज होगा, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ये बेसिक चीजें आपने पढ़ ली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। यूनिट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है एम्पीयर किस चीज के इक्वल होता है, कूलम पर सेकंड। एम्पीयर की डेफिनेशन भी आपने पढ़ ली, फार्मूला आपने स्टडी कर लिया, फ्लो ऑफ करंट आपने स्टडी कर लिया किस तरह फ्लो होगा। लेकिन अभी आपने इसकी कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में स्टडी करना, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कन्वेंशनल करंट क्या चीज है। अब सबसे पहले जब साइंटिस्ट ने करंट को देखा कि करंट किस तरह फ्लो करता है, उन्होंने ये सोचा कि करंट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, करंट पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से मूव करता है। तो चार्ज कैरियर, उन्होंने सोचा कि पॉजिटिव चार्जेस हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है किसी भी मैटर से। अब कन्वेंशनल करंट में आपने ये याद रखना है करंट फ्लो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्जेस के किस तरह फ्लो करेगा पॉजिटिव चार्जेस से, ये आपने देख लेना। ये पॉजिटिव टर्मिनल है हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल पे आपके पास। तो पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज फ्लो करेगा टुवर्ड दी नेगेटिव टर्मिनल, यानी हम कह सकते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और दूसरी बात जो हम कह सकते हैं हायर पोटेंशियल से, हायर पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन या कुछ भी, तो आपने बताना कि बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज क्या रेट में पॉजिटिव चार्ज। सेकंड आपके पास दूसरी चीज आ जाती है कन्वेंशनल करंट के बाद इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट है आपके पास, ये बात आपने याद रखनी है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लो करेगा। तो नेगेटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज आपके पास है इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ये मूव करेगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन आपने देख लेनी है, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो करंट फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये मूव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब आपको पता है ये हायर पोटेंशियल है ये लोअर पोटेंशियल है, तो जब नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्लो कर रहा है पॉजिटिव चार्जेस की तरफ, तो हम ये कह सकते हैं लोअर पोटेंशियल टू
पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो लोअर पोटेंशियल से यानी करंट की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्जेस की तरफ। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होगा। ये था आपका फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसमें आपने कन्वेंशनल करंट के बारे में याद रखना है, डेफिनेशन याद रखनी है कि जो चार्ज जो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव चार्जेस की वजह से उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, और जो चार्ज फ्लो करता है नेगेटिव चार्जेस की वजह से उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट होगा और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से कन्वेंशनल करंट होगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक डेफिनेशन फार्मूला यूनिट पूछ सकते हैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, और उसके बाद आप चार्ज कहने का याद रखना है। मेटल में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस है, और जो आपके पास आ जाती है गैसेज उसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है करंट। तो ये था आज आपका टॉपिक। नेक्स्ट आपने पढ़ना है रेट ऑफ फ्लो किस तरह मेटालिक सरफेस से फ्लो किस तरह करता है करंट। तो जाओ।